क्लास से हमारा सेशन जो था क्लोज हो गया था, तो आई हैव रिजॉइंड अगेन. तो वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंट स्टेप्स इन दिस स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच. तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि वी विल हैव टू, जो थर्ड स्टेप है उसमें हम अपने स्टेक्स देखते हैं, अपने स्टेक्स देखते हैं टुवर्ड्स दी अदर स्टेक होल्डर्स, और उनके भी स्टेक्स देखते हैं टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, हमारे उनके साथ क्या इंटरेस्ट हैं. ठीक है, उसके बाद पावर सोर्सेज को देखते हैं कि कुछ पावर सोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक आपने आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बनाई हुई है जिसने रूल्स बनाए हुए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो उनके पास पावर है डिसीजन मेकिंग, तो आपको वो डिसीजन सारे फॉलो करने पड़ते हैं. टेलीकॉम की जो कंपनीज हैं, पीटीए टेलीकॉम अथॉरिटी है, उसके पास रेगुलेशंस की पावर है. ठीक है, वो ओबे करवाती है सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को. तो ये हम पावर सोर्सेज भी देखते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे ज्यादा पावरफुल हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे कम पावरफुल हैं, और दूसरे उनके इंटरेस्ट क्या हैं हमारे साथ और हमारे उनके साथ क्या इंटरेस्ट हैं, ये पूरे हम एनालिसिस करते हैं इन चीजों का. देन इन द फोर्थ स्टेप, शोइंग हु द मेंबर्स ऑफ द कोएलिशंस आर और मे बिकम. ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ कोएलिशन कर सकते हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं. तो इट इज टू बी एग्जामिन एंड एज दी नेक्स्ट स्टेप. देन शोइंग व्हाट ईच स्टेक होल्डर्स एथिक्स आर एंड शुड बी. नो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद जब इस पूरा एनालिसिस हम चारों का कर लेते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनके एथिक्स क्या हैं और हमें किस तरह एथिकल बिहेव करना है उनके साथ. अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं जो हमने पूरे सेमेस्टर में ज्यादा डिस्कस करनी है, लाइक अगर बैंक्स हैं तो उनके एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स दी बैंक्स. इसी तरह गवर्नमेंट की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि आप वाकई उन सारे रूल्स एंड पॉलिसीज को ओबे कर रहे हैं. ठीक है, लीगल चीज़ों को ओबे कर रहे हैं. सो दीज ऑल जो स्टेक होल्डर्स एथिक्स हैं दैट शुड बी थोरली एग्जामिन्ड. देन डेवलपिंग कोलेबोरेटिव स्ट्रेटजीज एंड डायलॉग फ्रॉम हायर ग्राउंड परस्पेक्टिव टू मूव प्लान्स एंड इंटरेक्शंस टू द डिजायर्ड क्लोजर फॉर ऑल पार्टीज. इसके बाद जब ये सारा एनालिसिस हम कर लेते हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस के जो भी हमने स्टेप्स किए हैं उसमें, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन आवर स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू कोलेबरेट विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कि हम किस तरीके से उनके साथ जो है कोलेबरेट कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं ताकि वो भी सेटिस्फाई हों और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं डेट शुड आल्सो बी अचीव. तो ये एक स्टेप्स हैं डिफरेंट जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में अप्रोच में यूज होते हैं. ये अभी जो है हमने इसको जाहिर है इसको शॉर्टली ब्रीफली डिस्कस किया है. ये हर स्टेप का डिफरेंट चैप्टर्स हैं, लाइक जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने कहा आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग इश्यूज थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, हो सकता है इसको सेपरेट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करें. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज जो स्टेप्स हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच के, और जाहिर है हमने इसको लिंक करना है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स अबाउट ऑल ऑफ दीज अप्रोचेस. जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? इस कोई क्वेश्चन आपका किसी का? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, इट इज क्लियर. यस सर. ओके, जब कोई क्वेश्चन ना हो तो मेरे जेन में दो चीजें आ रही होती हैं कि या तो सब कुछ क्लियर हो गया है आपने, या फिर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ. आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया. यस सर, यस सर, यही वाला. यही वाला चलें. ठीक. ओके, व्हाट इज द बिजनेस एथिक्स एंड व्हाई डज इट मैटर? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था. Ethical solutions to the business and organizational problems may have more than one right alternatives, and sometimes no right solution may seem available. Now, ये ethics का देखें, ethics को as a subject आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसकी importance की वजह से. और ये बड़ा important इसमें issues discuss होते हैं जो आप लोगों को भी पता होने चाहिए. बाकी आपको मैंने शायद last किसी lecture में बताया था कि जो ये यूएई वगैरह की कुछ स्टेट्स हैं उसमें बकायदा उन्होंने मिनिस्ट्री बना दी है एथिक्स की, मिनिस्ट्री ऑफ एथिक्स, जो रूल डाउन करते हैं और देखते हैं कि व्हाट शुड बी दी एथिक्स. नो, इसकी क्यों जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि आपको हमने लास्ट क्लास में बहुत सी एग्जांपल मैंने डिस्कस की थी कि आप
कि जो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, आपके पास अवेलेबल होते हैं, और बहुत से ऑल्टरनेटिव्स ऐसे होते हैं जो समटाइम्स लीगल होते हैं, यानी आप किसी रूल को वायोलेट नहीं कर रहे होते लेकिन वो अनएथिकल होते हैं, ठीक है, एथिकल। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल हमने लास्ट भी क्लास डिस्कस की थी, आज भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट इस वजह से पढ़ाया जा रहा है कि वो जो सिचुएशन ऐसी आएगी तो आपने उसको एनालाइज करना है और उसकी लॉजिक देनी है और इसकी रीजनिंग देनी है, और इस रीजनिंग के मुताबिक फिर आपने एक्ट करना है कि दिस इज द राइट डिसीजन, ठीक है। तो ये जो डिसीजन करना है, होता है समटाइम्स दैट इज नॉट वेरी इजी। नाउ लेट्स डिस्कस सम अदर एग्जांपल्स कि सपोज कि आप ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं और किसी वीआईपी का विजिट आया है, ठीक है, बाहर से कोई, सपोज कि दूसरी कंट्री से आया या कोई फॉरनर आया, वो उसने विजिट किया और जाते हुए उसने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें गिफ्ट कर दी जिसमें से कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी एक्सपेंसिव हैं, कुछ काफ़ी कीमती बुक्स दे दी या कुछ और ऐसी चीज़ें दे दी, तो एज अ मैनेजर आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? व्हाट इज योर व्यू? सर अगर तो वो खुशी से दे रहा है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए सर। ओके, अगर वो खुशी से दे रहा है तो आपको करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि वो नाराज ना हो जाए, या एक गेस्ट एक आपको दे रहा है तो वो नाराज ना हो जाए ना, उसकी मतलब इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी सर, ठीक है जी सर। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसा ब्राइबरी भी लेंगे कि उसने आपको रिश्वत दी है और उसके मुताबिक आपके मुताबिक अपने मुताबिक वो डिसीजन लेंगे आपसे, व्हाट अबाउट दैट? सोचिए, समझ नहीं आई क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग इसको ब्राइबरी रिश्वत के तौर पे लेंगे कि उसने आपको जो गिफ्ट दिए ना एज ए रिश्वत दिए हैं ताकि वो अपनी बात फ्यूचर में मनवा सके आपसे, कोई डिसीजन अपनी मर्जी का करवा सके। सर बेसिकली ऐसे है कि अभी जब वो बहुत एक्सपेंसिव चीजें अगर उसे रिसीव करता है तो वो एक किस्म का उस पे एहसान हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डीलिंग में जब वो उसे बात करेगा तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया उसे बात नहीं कर सकेगा, तो उसको बात उसकी माननी पड़ेगी एक किस्म की। बिल्कुल यही चीज है सर। आपने आपने ये बोला कि फॉरनर बाहर से आया और उसने गिफ्ट दिया, आपने ये नहीं बोला कि उसने स्किन के साथ बिजनेस करना है या बात मनवानी है, मतलब कि अब ये तो नहीं कंफर्म ना कि वो बात मनवाएगा या नहीं मनवाएगा, उसने तो गिफ्ट दिया जोड़ लिया में। नहीं, वो तो हम तो मैनेजर हैं तो हमारा तो ये होगा कि वो गिफ्ट हम उससे रिसीव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये होगा कि यार वो ये हमें दे रहा है और हम रिसीव ना करें ये तो फिर उसमें लगता रहता है। उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया ना, तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होंगे, वैसे तो कोई विजिट नहीं करता उसका, तो बाद में कोई एक डिसीजन वो करना है, उसने अपनी कोई फाइल निकलवानी है आपसे, ठीक है, तो उसके लिए सपोज वो आपसे प्रेशराइज आपको करता है तो फिर आपके जेन में आएगा यार मैंने इतने पैसे भी दिए, मैंने इतने गिफ्ट भी लिए हुए हैं तो मैं उसकी बात तो मुझे माननी चाहिए ना। सर बिजनेस में नो कॉम्प्रोमाइज। बिजनेस में नो कॉम्प्रोमाइज, इसका मतलब नहीं लेने चाहिए गिफ्ट? सर गिफ्ट लेने चाहिए, अगर वो उसकी बात वैलिड है तो वो करनी चाहिए, अगर उसकी बात वैलिड नहीं है तो उसको वहीं पटाना चाहिए कि यार आपकी ये बात नहीं हो सकती। अभी जो है आपको पता है कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास ये भी कोर्ट में केसेस बने हुए हैं कि बाहर से डेलीगेट्स आए और इन्होंने बड़े बड़े एक्सपेंसिव उनको दिए, गिफ्ट दिए, तो वो कोर्ट में गया हुआ डिसीजन कि वो उनको गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराने चाहिए थे, तो ये भी तो हो सकता है कि वो जो बुक्स दी थी वो आप ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा दें, आप अपने पर्सनल यूज में ना लाएं। सही है, तो बंदे पे डिपेंड करता है अपने, ये तो बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो ये जरा डिसीजन मुश्किल हो जाता है, इजंट इट? यस सर। हाँ, मे बी सर, मे बी। मैं यही आपको पूछना चाह रहा था कि कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पे ले रहे हैं, ठीक है, उसका अपने काम करने के पे ले रहे हैं, तो वो गिफ्ट जो है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर काम ना कर रहे होते तो वो तो कभी आपको गिफ्ट ना देता इस किस्म के, तो इस वजह से वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जमा कराने चाहिए।
तो मैं जो बताना चाह रहा था कि समटाइम्स यू आपको इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं, उसके लिए फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। दोनों डिसीजन ठीक होते हैं समटाइम, लेकिन उसको प्रॉपरली आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, उसकी रीजनिंग देनी पड़ती है। नाउ एक और जो एग्जांपल मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करी थी कि सपोज कर रात को 2 बजे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, किसी हाईवे पे जा रहे हैं, और जो है वो सिग्नल जो है रेड हो जाता है। अब दूर दूर तक कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा और कोई कैमरे नहीं लगे हुए, और दूर दूर तक ट्रैफिक भी कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस रेड सिग्नल पे रुकेंगे या क्रॉस कर लेंगे? सर रुकेंगे आप रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जी सर। में है कि वो क्रॉस नहीं, अगर पीछे से कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, वो 2 घंटे तक सिग्नल ही ओपन ना हुआ, फिर क्या करेंगे? उधर ही रुके रहेंगे। सर वो तो फिर डिपेंड करता है ना, सिग्नल का मैक्सिमम टाइम ज्यादा ज्यादा 2 मिनट होता है या इतना होता है, अगर उससे ज्यादा चला गया तो फिर तो क्रॉस कर लेंगे। फिर क्रॉस कर लेंगे तो आप तो रूल को वायलेट करेंगे। रूल में तो ये लिखा हुआ है कि उसको रुकना चाहिए आपको रेड सिग्नल पे। लेकिन सर सर वो वो तो सिग्नल फिर ही एक खराब प्रॉब्लम रहता आ वो तो गया हमारा ना, इश्यू तो नहीं है सर। वो तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना सर। नहीं तो रूल तो वायलेट हो जाएगा ना जब क्रॉस करेंगे। अगर रुके रहेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं पागल है, इतनी देर से इधर ही रुका हुआ। सर सिंपल ये है कि बंदे को अपनी सेफ्टी की हिफाजत करनी चाहिए, अगर वहां पर वो मतलब कि सेफ है तो अदरवाइज वो रुक ले, अदरवाइज निकल जाए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर। अब ये देखें, ये भी डिसीजन मुश्किल है। अगर हम वो करते हैं, बेशक किसी का नुकसान नहीं है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक रूल वायलेट होता है। लेकिन क्रॉस करने करते वक्त आपके जेहन में ये है कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा, कि आगे पीछे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा इससे, तो इस तरह से ये वैलिड डिसीजन है। एक अभी हम आगे जाके नेक्स्ट एक या दो लेक्चर में डिफरेंट एथिक्स की थ्योरीज पढ़ेंगे, और वो थ्योरीज आपको बताएंगी कि अगर क्रॉस कर लेंगे तो वो भी ठीक है, अगर रुक जाएंगे तो वो भी आपका एक थ्योरी के मुताबिक ठीक होगा। ये थ्योरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको समटाइम्स ये डिसीजन लेना मुश्किल होता है कि व्हाट इज द राइट डिसीजन एंड व्हाट इज द रॉन्ग डिसीजन, उसके उसको फिर आपको जस्टिफाई करना होता है उन चीज़ों को। तो ये जो फर्स्ट मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि एथिकल सोल्यूशंस टू द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स मे हैव मोर देन वन राइट अल्टरनेटिव, ठीक है, एंड समटाइम्स नो राइट सोल्यूशन मे सीम अवेलेबल। तो ये चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम द केस स्टडीज, रोल प्लेइंग एंड डिस्कशंस अबाउट हाउ आवर एक्शंस अफेक्ट अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो हम जो भी कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो हमें लाजमी ये सोचना पड़ता है कि हमारे इस डिसीजन का दूसरों पर क्या असर होगा, दूसरे स्टेक होल्डर्स हाउ दे विल बी अफेक्टेड फ्रॉम आर डिसीजन, ठीक है। लॉरा नाश हैज डिफाइंड बिजनेस एथिक्स। लॉरा नाश एक थ्योरिस्ट है, डिफाइन किया बिजनेस एथिक्स को, द स्टडी ऑफ हाउ पर्सनल मॉरल नॉर्म्स अप्लाई टू द ऑल्टरनेटिव्स एंड द एक्टिविटीज एंड गोल्स ऑफ द कमर्शियल एंटरप्राइज, कि आप किसी कैसे अपनी पर्सनल थिंग्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए अप्लाई करते हैं एज डीलिंग विद 3 बेसिक एरियाज ऑफ मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग। एक होता है चॉइसिस अबाउट वट द लॉज शुड बी एंड वेदर टू फॉलो दैम। अब ये देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समटाइम्स जो लॉज हैं, अभी भी हमारे हमारी कंट्री में स्पेशल देखें, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अंग्रेजों के जमाने के रूल्स बने हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, इजंट इट। हमारी एक यस यस सर। ये एस्टा कोड, एस्टा कोड क्या होता है, एनी आइडिया? एस्टा कोड, एस्टेब्लिशमेंट कोड, नो आइडिया सर। नो आइडिया। एस्टा कोड एक पूरी बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं गवर्नमेंट के, ये आप लोगों ने याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं ये भी चीज़ें। ये पूरी बुक है जिसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं गवर्नमेंट के, उसके रूल्स लिखे होते हैं, पूरी 700-800 पेजेस की बुक है, लाइक लीव के रूल्स, अपॉइंटमेंट्स के रूल, रिक्रूटमेंट के रूल, और एवरीथिंग बहुत डिटेल में लिखे होते हैं, नेट पे भी अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हैं। अब वो रूल्स आप खोल के देखें तो अक्सर रूल्स ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजों के जमाने के बने, वो अभी तक चेंज नहीं हुए, ठीक है, और वो अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब वो लीगल तो हैं, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि वो एथिकल हैं। अब पूरी दुनिया चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, हम अभी तक वो पुराने पुराने रूल्स को लेकर बैठे हुए हैं, वो चेंज ही नहीं हुए, तो वील हैव टू सी के वेदर वी शुड वेदर दीज थिंग्स आर एथिकल और नॉट। वो लीगल तो हैं, लेकिन एथिकल हैं कि नहीं है, दैट इज टू बी एग्जामिन्ड। हमारे यहाँ कभी कचहरी का जाने का इतफाक हो, कभी पुलिस स्टेशनों में डिफाइन जाने का इतफाक हो, तो अजीब किस्म के रूल्स हैं जिससे डिलेज होती हैं। आपका जो कस्टमर है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो
वो सफर होता है, होता है ना ऐसी बहुत सी लेट हो जाती चीजें रूल्स की वजह से, क्योंकि किसी ने रूल्स को ही वो रिफाइन नहीं किया। तो यू हैव टू यही सी, बात है सर। ऐसी बात है ना, तो वो यू हैव टू सी कि वो राइट हैं या वो एथिकल हैं कि नहीं है। देन चॉइसेस अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आउटसाइड द डोमेन ऑफ लॉ, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके बारे में कोई लॉ नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज भी हो सकते हैं, सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, विच आर नॉट बीइंग डिफाइंड बाय एनी लॉ। उस केस में वी हैव टू सी के वेदर दैट इज एथिकल और नॉट, वी हैव टू सी के वो ठीक है या नहीं है ठीक, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है चीज़ों को। देन चॉइसेस अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द कंपनीज इंटरेस्ट, इसी अभी एग्जाम्पल हमने देखी कि अगर हम अपने सेल्फ, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं देन रादर देन द कंपनीज इंटरेस्ट, तो यू हैव टू सी कि वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग। अब इसमें देखिए बहुत सी एथिकल चीजें हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी, गवर्नमेंट में जो एक रिसर्च हुई है उसके बेस पे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें बहुत ज्यादा अनएथिकल चीजें होती हैं, ठीक है। ये एक सर्वे के बेस पे उन्होंने कहा ना। अक्सर आपने देखा होगा, सपोज मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ और ऑफिस में मुझे प्रिंटर मिला हुआ है, तो बस वो मैं धड़ाधड़ यूज करूंगा प्रिंट निकालने के लिए, उसमें पर्सनल प्रिंट भी निकाल रहा हूँ, बाकी चीजें भी निकाल रहा हूँ। और लेकिन अगर घर में वही प्रिंटर मेरे पास पर्सनल हो, तो मैं बड़ा बड़ा एक एक कागज जो है बड़ी केयरफुली यूज कर रहा हूँ और रोजाना उसकी सफाई कर रहा हूँ, बड़ी एहतियात से यूज कर रहा हूँ। तो अगेन ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं ऑफिस की चीजों को इस तरीके से यूज करूंगा तो वो एथिकल है कि नहीं एथिकल। ऐसे ही होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल सही, यही होता है। ऐसे ही होता है। तो ये समटाइम्स हमें सोचना चाहिए कि यार वो हम ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अच्छा इसमें देखें, हमारा जो टाइटल है सब्जेक्ट का, डेट इज इस्लामिक एंड बिजनेस एथिक्स, इस्लाम को जाहिर हम लाजमी डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, यह भी आगे जाके हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, कि जो आपकी जो एथिकल और अनएथिकल में बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंस होता है, यानी इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आपको आप एथिकल कर रहे हैं नहीं एथिकल कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें वी हैव टू प्रायोरिटाइज इट, कि हम किसी किसी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें और किसी के कौन सी चीज़ें एथिकल हैं और कौन सी अनएथिकल हैं, वी हैव टू एग्जामिन इट। और इसके बहुत सी रूल्स अभी पढ़ेंगे हम, आपको गाइडलाइन में आपको बताऊंगा या रूल्स के जिसको हम देख सकते हैं कि विच विल गाइड अस के व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यानी आपको मैं ये कह रहा था कि इस्लाम में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है हलाल और हराम में, एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है तो वही हलाल चीज़ जो है वो हराम हो जाती है, ठीक है। बहुत सी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। नाउ व्हाट अनएथिकल बिजनेसेस प्रैक्टिसेस, इसको आई थिंक लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, मैनेजर लाइंग टू द एम्प्लॉयज, समटाइम्स झूठ बोलते हैं हम, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज के साथ। अब उसका नुकसान तो नहीं हो रहा उस झूठ का, लेकिन वो फिर भी हमें देखना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है। ऑफिस नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, आपके जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपके जाने वाला बैठा हुआ है तो उसकी फेवर कर रहे होते हैं, अपने कोलीग्स की फेवर कर रहे होते हैं, तो ये फेवरेटिज्म राइट है कि रॉन्ग है, एथिकल है या अनएथिकल है? सर अगर जाने वाला बैठा हुआ और वो इस काबिल है कि यार उसको जो है इस कंपनी में हमें फायदा पहुंचाएगा, तो वो मतलब लीगल है कि यार उसको हम उसको अप्रिशिएट करें कि यार आप हमारी कंपनी में आओ, आप हमारी कंपनी को फायदा दोगे। अदरवाइज अगर वहाँ जाने वाला ही बैठा हुआ, अगर उसको पता है, हमें पता है कि यार उसको कुछ आता ही नहीं है, तो उसकी फेवर कर तो सर वो होगी बेवकूफी होगी कि आप उसको फायदा यानी आपको फेयरली डिसीजन करना है, अगर जाने वाला है भी और उससे अच्छा कोई बंदा होगा आपको उसको फेवर करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। एग्जैक्टली और ये बड़ा मुश्किल डिसीजन सर, ऐसा होता भी है और ये बड़ा मुश्किल सीन होता है ना। मेरा कजन बैठा मुश्किल तो होता है सर, लेकिन अब हमने अपनी कंपनी को भी देखना है ना कि हमारी कंपनी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका फायदा तो नहीं ना। फिर मेरा कजन बैठा हो और इंटरव्यू में बोर्ड में, सपोज मैं बैठा हूँ और इंटरव्यू बोर्ड ले रहा हूँ और उसको मैं कह दूँ यार तुम्हारा तो मैं बिल्कुल यू आर रिजेक्टेड, वो तो शायद पूरी जिंदगी बाहर। सर देखिए अगर अगर बेसिकली वो अगर आईटी का है, ठीक है, अब उसको हम बीपी में तो घुसाएंगे नहीं कि यार आप अकाउंटेंट बनो, अब उसने आईटी किया तो जाहिर सी बात है उसको सॉफ्टवेयर में घुसाएंगे कि आप सॉफ्टवेयर में आओ यार, सॉफ्टवेयर में आपको ये काम आता है। अब जॉब जो है हमारी कंपनी में वो बीबीए की है, और अब आईटी वाला आके हमारा कैसे इंटरव्यू देगा, तो जाहिर सी बात है हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि यार आप आओ आओ आप अकाउंटेंट बन जाओ। अब बीबीए वाले को हम अप्रोच करेंगे ना, तो बेसिकली बात तो ये है कि अगर उसको काम आता होगा तो
जाहिर सी बात है उसको हम अप्रोच करेंगे, यार आप आओ हमारी कंपनी में ये करो, चलें, ये बेसिकली जब ये चीज आपका, है। आप जब मैनेजर बनेंगे, आपके किसी कजन का इंटरव्यू हुआ ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, इंशाल्लाह सर, ठीक है ना? उस वक्त भी फिर आपके यही व्यूज होने चाहिए। सर यही रूल्स होंगे इंशाल्लाह, चल पहले मैनेजर बन तो जी, जाए। हाँ इंशाल्लाह बनेंगे, सब लोग मैनेजर बनेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, एज ए स्टूडेंट, मैं ज़ाहिर इतने अच्छे से टीचिंग भी कर रहा हूँ, तो कभी ये ना सोचें कि इतने ज़्यादा MBAs हो रहे हैं और इतने ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपकी विल है और आपकी गट्स हैं और इंटरेस्ट है, तो फिर आप ज़रूर मैनेजर भी बनेंगे, बल्कि उससे ऊपर भी जाएंगे। लेकिन वो जो एफर्ट है वो आपने छोड़नी नहीं होती, और डिसहार्ट नहीं होता किसी के, डिसहार्ट नहीं होता किसी भी स्टेज पर। ये चीज़ हमेशा मेरी याद रखें। बाकी फिर आप मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह सर, भी साथ मेहनत करता है। ओके, टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर वर्क्स, ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि काम जो है निचले लोग कर रहे होते हैं, स्टाफ लेवल पे कर रहे होते हैं ज़्यादा, और जो ऑफिसर्स होते हैं ऊपर, वो समटाइम्स क्रेडिट ले रहे होते हैं। वो अपने ऑफिसर्स को जाके बता रहे होते हैं कि ये तो मैंने काम किया, लगे उसके नीचे किसी और ने काम किया होता है। तो अगेन ये अनएथिकल है। रिसीविंग, ऑफरिंग, किक बैक्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे की टांगे हम खींच रहे होते हैं और आगे निकलने की कोशिश में दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। स्टीलिंग फ्रॉम द कंपनी, फायरिंग एन एम्प्लॉय फॉर विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होती है? व्हाट इज विसल ब्लोइंग? ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सर सेपरेट लेक्चर भी होगा। जी, शिकायत लगाना। शिकायत लगाना, लेकिन ये स्पेशल किस्म की शिकायत होती है। ये इस किस्म की शिकायत होती है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ गलत हो रही है, उसकी शिकायत आप लगाते हैं, तो आपका बॉस तो नाराज़ हो जाएगा ना कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आप शिकायत लगा रहे हो। तो अब इसको फिर हमने देखना है कि ये जायज़ है या एथिकल है और अनएथिकल है। इसके भी डिफरेंट गाइडलाइंस होती है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर कोई चीज़ रॉन्ग हो रही है और उसको आप शो अप करते हैं, तो डेट इज़ गुड थिंग। देन समटाइम्स आप डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ कि आपको कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, बट जो चीज़ ठीक हो रही है उसको हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो विसल ब्लोइंग योर, इन दिस लेमैन लैंग्वेज वी कैन से, शिकायत लगाना अबाउट सम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज के बारे में। एडिंग एक्सपेंस अकाउंट्स, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम इस तरीके से शो करते हैं या इस तरीके से उसमें मैन्युपुलेशन करते हैं कि वो बड़ी अच्छी शो हो रही होती हैं, कि बड़ी अच्छा प्रॉफिटेबल है, लेकिन बैक एंड में कुछ और होता है। ठीक है, तो इसका भी अगेन देखना पड़ेगा एथिकल है या अनएथिकल है। डाइवर्जिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर आप ट्रेड सीक्रेट्स बताते हैं, आउट कर देते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है, ये भी अक्सर होता है कि अपने ही एम्प्लॉय के जो शेयर पता होता है कि फ्यूचर में इसका शेयर बढ़ जाना है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके शेयर परचेज कर लेते हैं। तो अगेन ये एथिकल और अनएथिकल, वी विल हैव टू डिसाइड इट। यूजिंग कंपनी प्रॉपर्टी मटेरियल फॉर पर्सनल यूज, इसको भी हमने देखा। तो ऑल दीज आर दी डिफरेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस विच शुड बी अवॉइडेड। ये जो रिसर्च में बता रहा था, गवर्नमेंट सेल्स, अब आपको एक आपकी कंपनी ने एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको हायर किया है और आपने कोई चीज़ सेल करनी है, तो आप उसको अगर बताते हैं, उसकी अच्छाइयाँ ही बताएंगे, उसकी बुराइयाँ कभी नहीं बताएंगे कि ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लॉ क्या है, मीडिया जो है, अगेन आपके नॉलेज में होगा, हमने डिस्कस भी किया था। दीज आर दे आर द डिफरेंट अनएथिकल प्रैक्टिस अबाउट ऑल ऑफ दीज इश्यूज। तो इसको हम ज़्यादा पूरे सेमेस्टर में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वाई डज एथिक्स मैटर इन बिजनेस? डूइंग द राइट थिंग मैटर्स टू द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक। जब भी हम राइट काम करेंगे तो उसका ज़ाहिर सब स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। फॉर कंपनीज इट मीन्स सेविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईच ईयर इन लॉ सूट्स, सेटलमेंट्स एंड थेफ्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हम कुछ केस स्टडीज करेंगे और वो आपको बताएंगे, केस स्टडीज बताएंगी कि समटाइम्स आप कोई एथिकल डिसीजन लेते हैं और आपकी कंपनी उड़ जाती है, बहुत ज़्यादा उसका फायदा होता है। और समटाइम्स आप कोई अनएथिकल डिसीजन लेते हैं, उस अनएथिकल डिसीजन की वजह से समटाइम्स आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। ठीक है, इसकी मैं आपको कुछ माइक्रोस्कोप की केस स्टडीज करवाऊंगा, तो वो आपको रियल केस स्टडीज हैं कि कोई चीज़ अनएथिकल हुई और वो कस्टमर जो है उस कंपनी के अगेंस्ट लॉ में चले गया और कोर्ट में चले गया, और बिलियंस ऑफ डॉलर बाद में उस कंपनी को, उस कस्टमर को पे करने पड़े। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो समटाइम्स आप अनएथिकल को जो चीज़ कर रहे होते हैं उसका आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस वजह से ये जो एथिकल जो इश्यूज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनी
कॉस्ट टू बेनिफिट्स इंक्लूड डिटेरियेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाती हैं जब आप अनइथिकल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, डैमेज टू द रेपुटेशन आपकी जो है खराब हो जाती है, डिक्लाइनिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ को भी जाहिर है अगर पता होगा कि इस किस्म की अनइथिकल चीज़ें हो रही हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो वो भी उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा और उसकी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, इनफेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, समटाइम्स जो अनएथिकल हम कर रहे होते हैं जानबूझ के कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं इमोरल मैनेजमेंट। एक होती है अमोरल, AMORAL, अमोरल मैनेजमेंट, इसको डिटेल नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्या है इन दोनों में हो रहे होते हैं जी, डिफरेंट क्या है इन दोनों में जो आप ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि इमोरल का मतलब होता है हम जानबूझ कर कर रहे होते हैं, अनएथिकल चीजें जानबूझकर इंटेंशनली कर रहे होते हैं। ए मोरल मैनेजमेंट होती है जिसमें हम जानबूझकर नहीं कर रहे होते, हमें पता नहीं होता चीजों को या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो अनएथिकल डिसीजन हो जाता है, ठीक है, अनइंटेंशनली, ठीक है। मैनेजर आपको दोनों चीजें जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन चीजों को एनालाइज करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर डिसीजन करेंगे तो आपका वो राइट डिसीजन होगा। तो डिक्लाइनिंग इनइफेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होती हैं तो अगेन वेदर इट इज राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, और ये सब चीज़ों का अनएथिकल चीज़ों का फिर ज़ाहिर है बिजनेसिस एंड द कंपनीज विल हैव टू बेयर ऑल ऑफ दीज लॉसेस रिगार्डिंग टू दिस। एथिक्स जो है एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, एथिक्स का जो सब्जेक्ट है इसको हम इंडिविजुअली भी देखते हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल एथिक्स होते हैं, आपने अगर घर में रहना है, अपनी फैमिली के साथ बात करनी है, अपने दोस्तों के साथ बात करनी है, रिलेटिव्स के बात करनी है, किसा बात करनी है, सोसाइटी में किसा बात करनी है, ऑल दीज आर दी इंडिविजुअल लेवल ऑफ एथिक्स। कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है, बिजनेस के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स होता है, रूल्स बने होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। कुछ आप एज अ एसोसिएशन कर रहे होते हैं, एज अ इंडस्ट्री के आपके कुछ नॉर्म्स हैं, समटाइम्स एज अ सोसाइटी आपके नॉर्म्स हैं, समटाइम्स इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं कि अगर हम एक जगह से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उसके क्या नॉर्म्स हैं, उधर जाके हमें किस तरीके से बिहेव करना है, इसकी डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन जो लेवल तो ऑल दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एथिक्स और वी विल हैव टू डिस्कस द एथिक्स एट ऑल ऑफ दीज लेवल्स। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड व्हेन अ प्रॉब्लमेटिक डिसीजन और एक्शन इज एक्सपीरियंस्ड और परसीव्ड बिफोर इट बिकम्स एन अनएथिकल डायलेमा। नाउ डायलेमा हम उस सिचुएशन को कहते हैं जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है जिसमें समटाइम्स आपको डिसीजन लेना मुश्किल होता है कि वेदर इट इज द राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन। ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस भी की, तो उसमें कहते हैं कि अगर आपने कोई डिसीजन इस किस्म की सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करें कि व्हाट आर माय कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स, ठीक है, व्हाट आर द कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरे मुताबिक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक व्हाट इज द गुड बिहेवियर एंड व्हाट इज द बैड बिहेवियर, इसको एनालाइज करें। Whose values, beliefs, and interests may be at risk in this decision? कि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो उसका क्या किसी स्टेक होल्डर्स के वैल्यूज के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना चाहिए बिफोर टेकिंग सर्टेन डिसीजंस। देन हु विल बी हार्म्ड और हेल्प्ड बाय माय डिसीजन और बाय द डिसीजन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ या मेरी ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसीजन लेती है तो उसका नुकसान किसको हो सकता है, you will have to analyze it. How will my own and my organization's core values and beliefs be affected or changed by this decision? और अगर कोई decision ऐसा हो जाता है तो किस तरीके से our values will be changed or will be affected? How will I and my organization be affected by the decision? और जो decision है उससे किस तरीके से you may be affected or your organization may be affected? So sometimes ये इस किस्म के questions आप अपने आप से करेंगे और इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो समटाइम्स इट विल बी बेटर और इट विल गिव यू द गाइडलाइंस। द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस विल गिव यू द गाइडलाइन टू डिसाइड अबाउट अ पर्टिकुलर मैटर, स्पेशली एथिक्स और अनएथिकल रिलेटेड सॉर्ट ऑफ मैटर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, फाइव मिथ्स अबाउट बिजनेस एथिक्स। मिथ्स का मतलब ये होता है कि मिथ होते हैं, हमारे जेहन में ये चीज़ें होती हैं लेकिन एक्चुअली उस तरह होता नहीं है। अ मिथ इज़ अ बिलीफ गिवन
uncritical acceptance by the members of the group, especially in support of existing or traditional practices and institutions. Like myth one hai, sometimes we say ethics is a personal individual affair, not a public or debatable matter. यानी ये एक myth है कि जो ethics हैं वो personal होते हैं, ठीक है, ये इनको discuss नहीं किया जा सकता, ये public नहीं होते और ये every जो ethic है that is personal, that is wrong, that is only a myth. एथिक्स पर्सनल भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी होते हैं, डिबेटेबल भी होते हैं. हमें इनको डिबेटेबल का मतलब इशू को डिस्कस करना चाहिए. देन वी विल बी हैव द गाइडलाइन के व्हाट इज द राइट डिसीजन एंड व्हाट इज रॉन्ग डिसीजन. ठीक है, तो एथिक्स आर नॉट ऑलवेज पर्सनल. मिथ टू ये बिजनेस एंड एथिक्स डू नॉट मिक्स. यानी वो क्या मिथ ये है कि अक्सर लोगों के जहनों में चीज़ें होती हैं कि पर्सनल एथिक्स डिफरेंट चीज़ें हैं और जो बिजनेस एथिक्स है वो डिफरेंट चीजें हैं और बिजनेस में कोई एथिक्स नहीं होते, डेट इज रॉन्ग. नो डाउट कि बिजनेस का जो प्राइमरी पर्पस होता है डेट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, लेकिन साथ साथ एथिक्स जो है उसको भी देखते हैं जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं. वी कैन नॉट, वी शुड मिक्स इट व्हाइल डूइंग द बिजनेस, वी शुड ऑल्सो कंसिडर द एथिकल इश्यूज. ठीक है, आजकल के स्पेशली जमाने में खाली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता. और एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी तो हम कहते हैं ना एथिक्स जो है, अभी बहुत सी सर्चिज हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि एथिक्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रॉफिटेबिलिटी भी एज वेल. आप अगर एथिकल एनवायरनमेंट आपकी होगी तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट भी होगा ऑर्गेनाइजेशन को. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी. तो एथिक्स इन बिजनेस इज रिलेटिव का मतलब ये होता है. अच्छा, ये भी रिलेटिविज्म की एक अप्रोच होती है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो एथिक्स हैं यानी जो पर्सनल होता है वो अपने मुताबिक डिसीजन लेगा, अपने बिजनेस के मुताबिक डिसीजन लेगा, लेकिन इसकी एक डिफरेंट अप्रोच भी होती है कि यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच भी यूज होती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन गुड बिजनेस मीन्स गुड एथिक्स. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि अच्छा आप बिजनेस होगा तो आप एथिक को फॉलो करेंगे, दैट इज अगेन अ मिथ. ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग आर अमोरल. अमोरल, मोरल एंड इमोरल का थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया. इमोरल जो हम जानबूझ कर गलती गलत चीजें कर रहे होते हैं, इमोरल का मतलब जानबूझ कर नहीं कर रहे होते हैं लेकिन आपसे गलत चीजें हो जाती हैं. ठीक है, और मोरल का मतलब ये होता है कि आप बाकायदा चीजों को एनालाइज करते हैं, हर किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं और हर किस्म के इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस के बाद डिसीजन लेते हैं, तो डेट विल बी द मोरल डिसीजन और डेट विल बी द मोर एथिकल डिसीजन. यानी विदाउट टेकिंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप अगर डिसीजन ले रहे हैं, बेशक वो आपको आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, वो भी अमोरल में आ जाता है. तो आइडियली जो मैनेजर्स होते हैं दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द मोरल डिसीजंस इन विच दे विल हैव टू टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन. यानी आपको डिसीजन कोई करना है तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप उसको एनालाइज करें और उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे, तो दैट विल बी द मोर मोरल डिसीजन. ओके, व्हाई यूज एथिकल रीजनिंग इन बिजनेस. एथिकल रीजनिंग इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस फॉर एटलीस्ट थ्री रीजंस. मेनी टाइम्स लॉज आर इनसफिशिएंट एंड डू नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स और ग्रे एरियाज ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पहले भी बताया दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सम टाइम कुछ होते हैं जो एथिकल लीगल इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं जो एथिकल इश्यूज होती हैं. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल तो होती हैं लेकिन एथिकल नहीं होती, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएथिकल होती हैं और वो लीगल होती हैं. तो अपने जो मैनेजर्स हैं दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द ग्रे एरिया इन विच यू कैन टेक द डिसीजंस विच आर एथिकल एज वेल एज लीगल. यानी अभी हम कचहरी की बात कर रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें लीगल होती हैं लेकिन उसकी इन्वायरमेंट ऐसी होती है, वो डील आपको इसी के से कर रहे होते हैं विच इज अनएथिकल. ठीक है, तो लॉज जो है ऐसी सिचुएशन में इनसफिशिएंट होते हैं, देन एथिक्स का रोल आता है और आपको वो देखना होता है ग्रे एरिया. फ्री मार्केट एंड रेगुलेटेड मार्केट मैकेनिज्म डू नॉट इफेक्टिवली इन्फॉर्म ऑनर्स एंड मैनेजर्स अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड क्राइसिस दैट हैव फार रीचिंग एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस. यानी आप जब ओपन मार्केट में डीरेगुलराइज्ड मार्केट में डिसीजन कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, और आप एथिकल चीज़ों को समटाइम नहीं देख रहे होते. लेकिन बाज ऑफ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं और उसके बोझ से अनएथिकल कंसिक्वेंस आपके सामने आते हैं जो फॉर रीचिंग होते हैं, और उसमें बैडली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है डैमेज हो सकती है. इस वजह से दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वैसे भी एज अ पर्सनली भी और एज ए पार्ट ऑफ दिस कोर्स भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
Complex moral problems require an intuitive or learned understanding and concern for fairness, justice and due process to people, groups and communities. यानी आपको जो है उसका थोरो एनालिसिस करना पड़ता है सिचुएशन का इन दी कॉम्प्लेक्स मॉरल प्रॉब्लम्स ताकि आप राइट डिसीजन कर सकें. अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो अनइंटेंशनली आपसे रॉन्ग डिसीजन हो रहे होंगे. एथिक्स कोर्सेज शुड नॉट एडवोकेट अ सेट ऑफ रूल्स फ्रॉम अ सिंगल पर्सपेक्टिव. नाउ आपने अभी एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो जो विन विन सिचुएशन ठीक है या कौन सी, तो नो बडी कैन डिसाइड दैट व्हाट इज द राइट सिचुएशन. ठीक है, ये आप डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशन में, और आप एक सिंगल पर्सपेक्टिव में आप नहीं देखते रूल्स को भी और बाकी सब चीज़ों को. ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत से पर्सपेक्टिव्स को, बहुत सी सिचुएशंस को सामने रखकर डिसीजन लेना होता है. नॉट ऑफर ओनली वन बेस्ट सोल्यूशन टू द स्पेसिफिक एथिकल प्रॉब्लम्स, यानी कोई एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता. आप यू शुड हैव द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड you should give the moral justification and reasoning for a particular decision you are taking as a manager in the organizations and also as a human being. Not promise superior or absolute ways of thinking and behaving in the situations. Koi bhi as a superior absolute nahi honi chahiye thinking aapki about the different situations. You should be flexible and you should, most importantly, you should give the logical justification and reasoning for the particular situations. Okay, provide people with rational ideas and vocabulary. इसमें ओके, ये दो स्लाइड्स क्लास में भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये सेशन जो है ये वाइंड अप हो रहा है जूम का. आई थिंक अभी मैं इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं क्योंकि 11 बजे आप लोगों का क्विज है. आप लोगों ने गूगल क्लासरूम में जाना है, 11 बजे क्विज ऑन होगा, उसमें एक फॉर्म अटैच होगा, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती जाएंगी, उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने जो बेस्ट ऑप्शन होगी उसको चूज करना है. अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का, ये दो तीन टाइम ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सर क्विज जो है वो आंसर निकल आएगा या मतलब के आंसर वगैरह कैसे पता लगेगा कि सब कुछ सही है या नहीं? वो आपको पता चल जाएगा, अभी तो आपने देना है ना, आपको पता चल जाएगा बाद में, आंसर मैं बता दूंगा. आपके नंबर भी शेयर डिस्कस. जी, एनी अदर क्वेश्चन? स्लाइड मिलेंगी हमें ना? जी हाँ जी, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, ये वीडियो भी शेयर करूंगा. दो तीन बुक्स दे रहा हूँ. अटेंडेंस सर जो सीआर है उसके सीआर इज देयर, इसकी वो स्क्रीनशॉट लेके सेव करके आप अटेंडेंस लगा रहे हैं इसका, भी कोई वो बनाते हैं गूगल फॉर्म में, जिसको रीडिजाइन करता हूं फॉर द अटेंडेंस. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अपने पास सेव कर लें. ओके जी, आप अभी क्विज की तैयारी कर, ठीक होगी, उसमें आप क्विज की तैयारी कर लें और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर होगा. सर जी, सर इसमें जो है वो लड़का ऐसा कि इसमें लिखा हुआ है कि रियल मी सी थ्री, अब उसका नाम क्या है मुझे कुछ? रियल मी सी थ्री से कॉन्टेक्ट आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि नाम से. मेरा नाम मोइनुल अब्दीन, अभी मैं ज्वाइन किया, मैं चेंज कर देता हूँ. जी चेंज कर लें.